गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? मां ओके पहचान की थी, उसके बाद आपकी पहचान की, उसके बाद ई इमारत का इसकी पहचान की। आज हम सीखने वाले हैं पी की पहचान। बड़ी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं बच्चों? बड़ी। चलो बड़ी की पहचान में कौन कौन से कैसे लिखना है पहले ये देखो बच्चों। देखो ये लिखा कैसे मैं आप लोगों को पहले स्टैंडिंग लाइन लिखनी है और स्मॉल हाफ सर्कल, फिर स्टैंडिंग लाइन और उसको ऐसे एस जैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद यहाँ पे एस लिखना। ओके, ये हुआ छोटी की और ऐसा निकालने के बाद ऊपर बड़ी ई से इमारत, ई से ईद। तो आइए मेरे पीछे, ये ईद आपको याद रखना है तो ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। ई से ईट डिक्स, पता है ना आप लोगों को? ई से तो बच्चों आइए आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ी ई। ई से ईक, क्या पढ़ने वाले हैं? ई से ईक, ईक मीन्स देखो शुगर केन। और ई से ईद, जे ईद रहती है ना अपने, पता है ना अपने मालेगांव में भी रहती है, तो ईद की ऐसी शुभकामनाएं दी जाती है। ई से ईश्वर, ईश्वर मीन्स भगवान। रोज सुबह शाम कौन भगवान के पास बैठ के उसको नमन करता है? कोई भी नहीं, तो करना है। ई से ईट, इट मीन्स ब्रिक्स। तो इसका क्या यूज होता है बच्चों? वेरी गुड, घर के जब हम कुछ काम निकालते हैं तो ब्रिक्स से ही होती है। आइए अब हम ई लिखना शुरू करते हैं। देखो ऐसे हाफ सर्कल स्टैंडिंग लाइन, और ये हुआ हाफ सर्कल, फिर से स्टैंडिंग लाइन, और यहाँ पे ऐसे करना है जैसी ऊ की मात्रा हम लगाते हैं वैसे। ई ई ईक, ई से ईद। बोलो, बोलना भी है और लिखना भी है, यानी आप लोगों का ओरल भी अच्छा होगा और रिटन भी अच्छा होगा बच्चों। बिल्कुल भी आलस करना नहीं है, बहुत छुट्टियाँ हो गई है। ई से ईट, तो क्या सीखा हमने आज? ई से ईट, ई से ईक। देखो अब हम नोटबुक में, आपके पास ऐसी टू लाइन नोटबुक है उस पे हम ई बड़ी ई सीखने वाले हैं। ई ई से ईट, ई से ईट, ई से ईद, ई से ईश्वर, ई से ईश्वर, ई से ईमानदार, ई से ईमानदार, ई से ईश्वर। ऐसी गुड हैंडराइटिंग में पूरा पेज लिख के आपको ग्रुप में सेंड करना है और साथ ही पढ़ना भी है।
तो शुरू कर रहे बच्चों, आज हम ई से शुरू होने वाले शब्द हमने क्या सीखा, ई से ईक, ई बड़ी ई सीखा है हमने, ई से ईट, इट मीन्स ब्रिक्स, ई से ईशा मीन्स जेलीफिश, ई से ईसा, ऐसे शब्द आप लोगों को